काल चल बा, फिर आ गए ली हम। तब भाग तीन तक खत्म हो गए, भाग चार शुरुआत होत बा। अर्थात सारे पार्ट को कंप्लीट करना, पूरा संविधान ऐसा पढ़ना कि दिमाग में छप जाए, पूरा क्या हो जाए, दिमाग में ही छप जाए। तो चलिए देखिए, संविधान भाग चार जो है, ये हम बात करेंगे कैबिनेट मिशन की बात करेंगे। कैबिनेट मिशन जो है, कैबिनेट मिशन कब आया हमने बताया था, कैबिनेट मिशन आया 1946 में। कब आ गया? 1946 में आ गया। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत तीन लोग आए थे। कितने लोग आए थे? तीन लोग। और तीनों जो थे वो ब्रिटेन के सांसद थे। क्या थे? संसद के सदस्य थे। जैसे हमारे यहाँ जगदम्बिका पाल महोदय, वैसे ब्रिटेन से वहां के संसद लोग आए थे। तीन लोग आए थे। एक का नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स, नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स नाम था। एक का नाम था ए वी अलेक्जेंडर। और जो तीसरे थे उनका नाम था सर पैथिक लॉरेंस। यदि आपको जो है ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन करना है तो आप सिद्धार्थ नगर में सुपर फास्ट क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, और नहीं तो मैं आपके साथ हूं और आपको जो है मैं कमी महसूस नहीं होने दूंगा। तो यहां बात करेंगे जो है, कितने लोग आए थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स महोदय आए थे, ए वी अलेक्जेंडर महोदय आए थे, सर पैथिक लॉरेंस भी आए थे। अर्थात तीन लोग आए थे हमारे देश के संविधान के निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन लेकर 1946 में। तो याद रखिएगा, इन तीनों में जो हेड था, जो अध्यक्ष था, वो था सर पैथिक लॉरेंस। क्या था? अध्यक्ष था। अब यहां बात करेंगे, यहां बात यह करना है कि कैबिनेट मिशन आया तो इसका जो है पूरा प्रारूप क्या था। प्रारूप यह था कि कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत जो इसमें निर्धारित सदस्यों की संख्या थी, निर्धारित सदस्यों की संख्या मित्रों, जो संख्या यहां निर्धारित किया गया था वो 389 था। कितना था? 389 सीट था कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। जो 389 सीट है, इस 389 सीट में यहां देखेंगे तो 296 सीट जो था, 296 सीट ये ब्रिटिश भारतीय के लिए था। किसके लिए था? ब्रिटिश भारतीय के लिए। क्यों हम ब्रिटिश शब्द लगा रहे हैं? चूंकि 1946 की बात है दोस्तों, अभी आजादी की बात नहीं कर रहे हैं, 1946 की बात कर रहे हैं। इसलिए हम लोग क्या थे, अभी भी 1946 में अंग्रेजों के क्या थे, कहने के अधीन थे। इसलिए ब्रिटिश भारतीयों के लिए कितना था? 296 सीट था। और यहां पर जो है 93 सीट जो था वो देशी रियासत के लिए था। देशी रियासत माने राजाओं के लिए कितना सीट था? 93 सीट था। और जो राजा टाइप के लोग हैं वो चुनाव लड़ेंगे का? चुनाव लड़ेंगे? राजा चुनाव नहीं लड़ेंगे। राजाओं ने कहा भैया चुनाव लड़ेंगे का? हम राजा महाराजा है, चुनाव उनाव नहीं पड़ेंगे। अर्थात अब चुनाव की जो प्रक्रिया थी वह प्रक्रिया केवल 296 सीटों पर होना था, 93 सीटों पर चुनाव प्रक्रिया नहीं होना था। और 296 सीट पर ही जो एक सीट दिया गया था वो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट दिया गया था। और यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि जो चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है, अपने अपने जो पार्टी थे अपने अपने कैंडिडेटों को उतार देते हैं मैदान में। अर्थात कांग्रेस के 296 जो है लोग कैंडिडेट मार्केट में आ जाते हैं पंजा लेके, चुनाव चिन्ह पंजा लेके आ जाते हैं। मुस्लिम लीग वाले जो थे इतिहास में बताऊंगा मुस्लिम लीग के बारे में। मुस्लिम लीग की गठन जो उनका गठन 1906 में हुआ था, बंगाल में, कहाँ, बांग्लादेश जो वर्तमान में है वहीं ढाका में हुआ था, और नवाब सलीमुल्ला महोदय ने किया था, उस पर डिटेल हम लोग बात करेंगे। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कहाँ पर? बम्बई में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में हुआ था, उस पर भी बात हम लोग करेंगे। लेकिन यहां देखते हैं कि 296 सीटों पर सब लोगों ने अपने अपने प्रत्याशी को उतार दिया, और यहां पर कांग्रेस भी आ जाती है, कांग्रेस अपना प्रचार कर रही है। यहां पर मुस्लिम लीग वाले आ जाते हैं, चांद सितारा चुनाव चिन्ह वाले, और यहाँ पर कुछ निर्दल वाले थे जो बिना किसी दल के घूम रहे थे, प्रचार कर रहे थे। सब लोग चुनाव लड़ते हैं और कांग्रेस को 296 सीटों में से 208 सीट मिल जाता है।
कितना सीट? 208 सीट। कांग्रेस को 208 सीट मिल जाता है, मुस्लिम लीग को 73 सीटों से संतुष्ट होना पड़ता है। निर्दल जो कैंडिडेट थे 15 लोग चुनाव जीत गए, अर्थात यहां पर जो चुनाव संपन्न होता है मित्रों, हम कह सकते हैं कि यहां का जो चुनाव था वो एक जो है एक पक्षीय, हम कह सकते हैं कि यहां पर जो मुस्लिम लीग सोच रहा था, मोहम्मद अली जिन्ना जो सोच रहा था, मोहम्मद अली जिन्ना ये चाहते थे कि हमारी सरकार बने तो संविधान अपने अनुसार बनाएंगे, लेकिन यहां पर मित्रों क्या हो गया, कांग्रेस की सरकार बन जाती है। और इसमें जो है कांग्रेस के सरकार बनने के बाद अब जो संविधान लिखेगा वो कांग्रेस लिखेगा, यहां पर मुस्लिम लीग नहीं लिखेगा। हालांकि कांग्रेस वाले से मुस्लिम लीग नाराज हो जाते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग को जो है कहीं ना कहीं लोग समझाते हैं, सारे लोगों ने समझाया कि नहीं नहीं आपको भागने की जरूरत नहीं है, वो तो चुनाव है, आप और हम सब लोग मिलकर संविधान बनाएंगे, पहले संविधान तो बन जाए। जिन्ना ने कहा नहीं भैया, पहले पाकिस्तान तो बन जाए। लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान की बात तो बाद में होगी, पहले संविधान की बात होगी। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो चुनाव हुआ यहाँ पर जो चुनाव हुआ, इस पूरे चुनाव में कुल कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाओं ने यहाँ भाग लिया। इस 15 में से 14 हिंदू वर्ग की महिला थी और एक मुस्लिम वर्ग की महिला थी, जिसका नाम था बेगम यजाज रसूल। क्या नाम था? बेगम यजाज रसूल नाम था। तो मित्रों यहाँ चुनाव संपन्न हो जाता है और अंततः यहाँ से लोग जो है चुनाव को जीतने के बाद पहुँच जाते हैं लोग दिल्ली में। कहाँ पहुँच गए? दिल्ली में पहुँच गए। दिल्ली में पहुँच जाते हैं और दिल्ली में ही जो है वहीं पर ये हुआ कि संविधान सभा जो है, संविधान सभा का मीटिंग कहाँ होगा? अब दिल्ली में होगा। ये जो कैबिनेट मिशन जो है, कैबिनेट मिशन की मीटिंग थी, यही संविधान सभा का बैठक था, यही संविधान सभा का जो शुरुआत था। और हम कह सकते हैं चुनाव जीतने के बाद सब लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली में एक पुस्तकालय काउंसिल चैम्बर था, बहुत बड़ा था, उसी में सब लोग बैठते हैं। और 9 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा का उद्घाटन हो गया, संविधान सभा का पहला बैठक भी हो गया। तो संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? संविधान सभा की प्रथम बैठक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक, या हम कह सकते हैं कि संविधान सभा का उद्घाटन हो गया 9 दिसंबर 1946 को हो जाता है। इसके बाद मित्रों सब लोग यहाँ पहुँचते हैं, सब लोग बैठते हैं, लेकिन जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे उस समय, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को यहीं पर क्या किया गया, यहीं पर जो है उनको अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बना दिया गया? संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दोस्तों अस्थाई अध्यक्ष जो है यहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बन जाते हैं। इसके बाद फिर बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, और इस बैठक में जो है संविधान सभा की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू, क्या नाम है इनको, क्या कहते हैं? बाबूजी, बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महोदय जो है, माफ करिएगा, प्रसाद महोदय जो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महोदय, ये जो है इनको संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष बना दिया गया। तो संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो बताना है यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए, आगे मैं बात करूँगा। यहाँ पर 11 दिसंबर हो गया, 11 दिसंबर 1946 को। इसके बाद फिर देखिए क्या होता मित्रों, 13 दिसंबर 1946 को अब सब लोग बैठे थे, संविधान बनाना था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि संविधान को कैसे बनाएं। जैसे कहते भैया चार पन्ना लिख के लाना, तो हम इना कहें कि हिंदी लिख के लाना कि अंग्रेजी लिख के लाना, तो क्या लिख के लाएंगे आप, पता नहीं है। तो इसीलिए सब लोग बैठे थे, संविधान बनाना था, पीछे से कह रहे हैं का हो, संविधान बनाना है,
तो उधर भी कह रहे हैं संविधान में, अरे भैया बनाना तो कुछ टॉपिक पता होना चाहिए ना। हम कह दे भैया गाय के ऊपर निबंध लिख के लाइएगा, तो लिख के ला सकते हैं आप। जब तक टॉपिक ना पता रहे तो कैसे आप जो है उसको पूरा कर सकते हैं। इसीलिए 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदय ने यहाँ पर जो है उन्होंने क्या किया, पहली बार उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। क्या प्रस्तुत कर दिया? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसको याद रखिएगा मित्रों, डेट एक भी भूल गए तो फिर जान लीजिए कि पाप लगेगा, पाप याद रखना है। देखिए, और यहां पर जो है उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को प्रस्तुत हुआ और इसी उद्देश्य प्रस्ताव पर अब चर्चा शुरू हो गया। सब चर्चा कर रहे हैं कि हमारे संविधान में हाई वाला शब्द लिख दीजिए, बंधुत्व लिखिए, तो कोई कह रहा नहीं नहीं भाईचारा लिख दीजिए, कोई कह रहा नहीं लोकतंत्र वाला जो है लोकतंत्र की बात लिखी। सब अपना डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस करते 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 अंततः जो है 22 जनवरी 1947 को पूरी तरह से इस पर डिस्कस हो चुका था, अर्थात उद्देश्य प्रस्ताव क्या हो गया, पास हो गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब पास हुआ, उद्देश्य प्रस्ताव कब पास हुआ, तो आप जो कह सकते हैं 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पास हो जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव पास हो जाने के बाद यहां से संविधान लिखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और यह प्रक्रिया शुरू होती है और अंततः होता क्या है कि 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हो जाता है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हो जाता है, प्रारूप समिति का गठन हो जाता है। इस प्रारूप समिति में कुल कितने लोग थे, कुल थे कितने लोग, 7 लोग थे, 1 अंबेडकर जी अध्यक्ष थे और 6 लोग थे अन्य। तो यहां से जो है अब देखिए प्रक्रिया शुरू हुआ, और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अंततः यहां पर देखेंगे 22 जुलाई 1947 को हमारे देश में झंडे को अपनाया गया। तो झंडे को जो है कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया झंडा। ये झंडे के डिजाइन के बनाए रहा बाबू, झंडे डिजाइन जो पिंगली वकैया महोदय भुलायो ना के पिंगली वकैया। तो झंडे के डिजाइन जो बा पिंगली वकैया महोदय बनाए रहे, तो ये बात याद होए चाहिए। झंडे में कुल जो बा कै रंग, कुल 4 रंग। झंडे में कुल 4 रंग का प्रयोग भइल बा, हाई देखा कैसे, तहिया देखा है ऊपर वाला केसरिया रंग है, ऊपर केसरिया, ये क्या है केसरिया के नीचे का है सफेद, सफेद के नीचे है हरा, है जो गोल चक्करवा है ना, गोल चक्करवा जो 24 तीली है ये नीला है, गहरा नीला, तो कुल मिला 4 रंग। आई गोल चक्करवा में कुल 24 तीली है जो 24 घंटा सदैव आगे बढ़ने का संकेत देता है। आई गोल चक्करवा कहाँ से लिया गया, सारनाथ अशोक स्तंभ से फोटोकॉपी कर लिया गया। तो सारे बातों को याद रखना है। लंबाई चौड़ाई अगर है 2 मीटर रहेगा तो है 3 मीटर रहेगा, तो क्या हो जाएगा, पूछेगा झंडे के लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या, तो 3:2 कितना हो जाएगा, 3:2। केसरिया बलिदान का प्रतीक, सफेद शांति का प्रतीक, हरा हरियाली का प्रतीक, सदैव आगे बढ़ते रहे, खेती किसानी करिए, गोल चक्कर हमेशा आगे बढ़ने की बात करता है, पीछे जाने की बात नहीं करता, आगे बढ़ने की बात करता है। बढ़िया सोचो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचो, और कहीं ना कहीं जो है ऐसे फर्जीवाड़ा सोचने की जरूरत नहीं है। तो मित्रों जो है ये सारी बातों को आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा और मैं बता देता हूं कि ये प्रक्रिया यहां से शुरू हो गई, और ये प्रक्रिया शुरू हो गई चलता रहा, संविधान निर्माण हो रहा था, इस पर और भी डिटेल हम लोग बात करेंगे। यहां देखेंगे कि संविधान लिखते लिखते कहीं ना कहीं ये संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया।
इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है और विधि दिवस भी मनाया जाता है। ये सारा पॉइंट आपको याद रखना है, विधि दिवस हो चाहे संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि यहीं पर हमारा संविधान क्या हो गया था, आत्मर्पित हो गया था, अधिनियमित हो गया था, बनकर तैयार हो गया था। जब संविधान बनकर तैयार हुआ 63,96,729 रुपये खर्च आया था, 63,96,729 रुपये खर्च आया था। और यहाँ जो है संविधान जब बन के तैयार हो गया तो ये हुआ कि इसको लागू करना है 26 जनवरी 1950 को। अब काहे 26 जनवरी एक लागू हुआ, हम आपसे पूछ रहे हैं कि 26 जनवरी काहे लागू हुई, 1 जनवरी को लागू हो गया होता तो मजा आ जाता नया साल के अंतर्गत, लेकिन 26 के काहे लागू हुआ ये बात आप हमको बताएंगे और नहीं तो हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए हम ही आपको बता दे रहे हैं, ये जो संविधान हमारा 26 जनवरी को लागू हुआ, तो आप ये 26 जनवरी वाला कॉन्सेप्ट कभी सोचे हैं कि बस ऐसे स्कूल में जा 26 जनवरी के लड्डू खाक भागे हैं? हाँ, लड्डू दिखता है आपको 15 अगस्त को, गुरुजी लोग बताते भी नहीं हैं कि 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ था, तो कहाँ 26 जनवरी वाला डेट आया और आगे पीछे क्यों नहीं हुआ? तो मित्रों ये पुराना जो है ये इतिहास की बात है, थोड़ा समझ लेते हैं। कांग्रेस का जो है, कांग्रेस का जो अधिवेशन है, ये अधिवेशन प्रत्येक वर्ष होता, आज भी अधिवेशन होता है और पहले भी हो रहा था। तो ये बात उस समय की है, ये बात है 31 दिसंबर 1929 की बात है, 31 दिसंबर 1929 की बात है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में सारे लोग जो है, कांग्रेस की इस अधिवेशन में सारे लोग इकट्ठा हुए थे और इस अधिवेशन का जो अध्यक्ष था वो अध्यक्ष कौन, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू महोदय इसके अध्यक्ष थे। और यहीं पर होता क्या है कि सारे लोगों ने कहा नेहरू जी के अध्यक्षता में कि क्यों ना हम लोग एक जो है एक ऐसा दिवस मनाए, एक ऐसा दिवस मनाए कि हमारे जीवन में लगे कि हम लोग क्या हैं, अपने तरफ से आज़ाद हो गए हैं। तो नेहरू जी ने कहा कौन वाला दिवस आप लोग सोच रहे हैं? तो अंततः लोगों ने बताया हम चाहते हैं पूर्ण स्वराज दिवस मनाना, क्या मनाना चाहते हैं, पूर्ण स्वराज दिवस। और अंततः यहीं पर जो है 31 दिसंबर 1929 को नेहरू जी की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव पास हुआ। लोगों ने कहा ये पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाएगा? तो संविधान सभा, सॉरी वहाँ के जो लोग थे कांग्रेस के अधिवेशन के लोग, उन लोगों ने कहा नेहरू जी की अध्यक्षता में कि ऐसा है हम लोग क्यों ना 26 जनवरी 1930 को, आने वाले 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मना लेते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस जो है मनाने का डेट था वो फिक्स हो गया, पूर्ण स्वराज दिवस। और जैसे ही 26 जनवरी आता है, 1930 आता है, रावी नदी के किनारे लाहौर में सारे भारतीय इकट्ठा होकर क्या करते हैं, पूर्ण स्वराज दिवस मनाते हैं। मेला लगता है, रंगारंग कार्यक्रम चलता है, नेता लोग भाषण देते, सब चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है यही जो है पूर्ण स्वराज दिवस जिस दिन मनाया जा रहा था अंग्रेजों ने बर्बरता किया, लाठी डंडे से पीटा और कहा कि तुम लोग आज़ाद नहीं हो, तुमको ये मनाने की आवश्यकता नहीं है, आज़ादी अभी तुमको मिली नहीं है, लेकिन लाठी खाने के बाद भी मुस्कान थी, मंद मंद मुस्कान थी, क्योंकि लग रहा था वाह भैया आज तो कमाल हो गया। और आज जो है ऐसा दिन आया, हम लोग खुशी में थे, लग रहा था कि आज़ादी मिल गई है। और इसलिए नेहरू जी ने, वल्लभ भाई पटेल महोदय ने, सारे लोगों ने कहा कि ऐसा है आने वाले जब भी हमारा संविधान लिखा जाएगा, संविधान कभी भी लिखा जाए लेकिन लागू तब हम लोग तभी करेंगे 26 जनवरी के दिन ही लागू करेंगे, क्योंकि ये डेट हम कभी भूल नहीं सकते, ये डेट कभी इतिहास भूल नहीं सकता। इसीलिए 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, लेकिन इसको लागू करने के लिए 26 जनवरी का वेट किया जा रहा था, और जब 26 जनवरी आएगा तो 1950 लग जाएगा। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हुआ, लागू हुआ। लेकिन संविधान लागू होने से पहले दो तीन चीज़ें छूट गई थी, यहाँ देख लेते हैं। जैसे हमारे देश में अभी तक राष्ट्रगीत क्या होगा, राष्ट्रगान क्या होगा,
कौन हमारे देश का राष्ट्रपति होगा ये क्लियर नहीं था, इसीलिए 24 जनवरी 1950 को क्या हो जाता है, यहीं पर जो है 24 जनवरी 1950 को हमारे देश में कहीं ना कहीं राष्ट्रगीत जो है यहीं पर अपना लिया गया, वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम, ये जो है राष्ट्रगीत को कहाँ अपनाया गया, यहीं पर अपना लिया गया 24 जनवरी 1950 को, कलकत्ता में पहली बार गाया गया था। तो ये बात याद रखिएगा, इसको गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। तो आपसे पूछेगा कि राष्ट्रगीत को संविधान में कब अपनाया गया, तो बताना है 24 जनवरी 1950 को। यहीं पर जो है राष्ट्रगान को अपना लिया गया, राष्ट्रगान याद है ना, अगर राष्ट्रगान वो न्यूज़ चैनल वाला समझ में आ रहा था, न्यूज़ चैनल में वायरल हुआ था, ये नेताजी थे बड़ा देशभक्ति की बात कर रहे थे, इंटरव्यू में पूछ लिया गया कि राष्ट्रगीत आप कृपया सुना दीजिए, दांत चियार दिए थे। तो राष्ट्रगीत आप सबको याद होना चाहिए, हमको भी याद है, आपको भी याद होना चाहिए, बिल्कुल जो है आपको जो है सारी चीज़ें क्लियर होना चाहिए। 52 सेकंड का समय लगता है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को क्या किया गया, अपना लिया गया। तो ये सारा बात आपको याद होना चाहिए। इसको जो है 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के अधिवेशन में किसने गाया था, रविंद्रनाथ टैगोर महोदय ने गाया था। गीतांजलि नामक पुस्तक में जो है भारत भाग विधाता नामक शीर्षक से एक जो है पूरा बंगाली भाषण लिखा गया है, और इसी को रविंद्रनाथ टैगोर महोदय ने क्या किया था, पढ़कर सुनाया था। ये सारा फैक्ट आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा यहीं पर जो है राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया 24 जनवरी 1950 को। तो ये 3-4 बातें आपको याद, चौथे बात है कौन सा है, चौथा बात जान लीजिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। तो आपको 3-4 चीज याद रखना, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रपति और संविधान सभा की अंतिम बैठक, ये सब कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को। और मुझे उम्मीद है कि सारा फैक्ट आप जान गए होंगे, कहानी समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो फिर पढ़ा देंगे, कौन दिक्कत थोड़ो ना है। हाँ, तो तब से विदा लेते हैं, और चैनलवा है लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने में कोनो दिक्कत हो तो बता दीजिए कमेंट करके, नहीं तक कर लीजिएगा, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।